हाय दोस्तों, आज मैं आपको देने वाले 5 टिप्स। इसमें से कुछ आप पहले सुना होगा, शायद नहीं सुना भी होगा। तो पहले देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आता है गैरसन। यह है गैरसन। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एनिमी आपको अटैक करने वाला है, तो आपको पता है कि उसको आप डिफेंड नहीं कर सकता। तो एक ही चीज़ करना है, अपना ट्रूप्स को ऐसे अनचेक करना है। अभी तो चेक नहीं किया था मैं, ऐसे अनचेक करना, मतलब पूरा ट्रूप्स को अपने डिफेंस से निकालना है, ताकि वो अटैक करेगा तो आपका कोई सोल्जर्स नहीं मरेगा, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है फीडिंग ग्राउंड। तो ये है हमारा फीडिंग ग्राउंड। ये आपको पता होगा कि डेली डेली आपको बहुत सारा मीट और वाटर इसमें वेस्ट होता है, तो उसको कैसे सेव करेगा। तो उसके सेव करने के लिए आप इतना ही करने का, ये देखो, ये है वर्कर एंट्स नेस्ट। इसको तो खाली इधर से निकाल के कहीं भी आइसोलेट करना है, तो बाहर के रास्ते से इसको हटाना है, किसी तरह इसको कनेक्ट नहीं करने का। अगर इसको कनेक्ट करेगा तो ये आपका पूरा रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा, पूरा नहीं, वाटर और मीट ये दोनों को ये कंज्यूम करेगा। वाटर तो मिलने के लिए बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वाटर को सेव करना है। और नेक्स्ट इसके साथ दूसरा एक चीज़ है, वो है लीफ कटर। ये जो लीफ कटर है, अगर आपको ये लीफ कटर मतलब फंके की ज़रूरत नहीं है, तो ये लीफ कटर बार बार ऐसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकता है। अगर आपको फंके चाहिए तो आप लीफ कटर फिल कर सकता है, मुश्किल नहीं है। और अगला टिप आपको देने वाला है गैदरिंग के लिए। अगर आपको गैदरिंग के लिए ज़्यादा लोड चाहिए, तो आप T1 या T2 कैरियर्स को यूज़ करना। अगर इधर मैं दिखा सकता है, ये देखो, मैं इधर शूटर्स का यूज़ कर रहा है। अभी देखना, मेरा लोड तो 9.5 मिलियन है। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, T1 कैरियर्स को यूज़ कर रहा है। अभी देखो, 21.7 मिलियन हो गया, बहुत सारा चेंज हो गया। मतलब T1 या T2 कैरियर्स को यूज़ करने से आपका लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसके साथ आपका ये स्पीड भी बढ़ जाएगा। ये देखो, मार्च स्पीड 18 है और लोड कैपेसिटी 15 दिखा रहा है T1 के लिए। और सेम टाइम इसमें देखो, मार्च स्पीड 12 हो गया, लोड कैपेसिटी 10 हो गया। और इसमें देखो, मार्च स्पीड 15 हो गया, लोड कैपेसिटी 10। तो T1 कैरियर्स को यूज़ करने से आपका मार्च स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपका ट्रूप का स्पीड बढ़ जाएगा और उसके साथ लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये अलायंस एक्सपेडिशन में बहुत काम आएगा। अलायंस एक्सपेडिशन में आप गैदरिंग करने के लिए जा रहे हैं या वॉर का टाइम में गैदरिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगला टिप है जो लोग थोड़ा स्पेंडिंग करता है उसके लिए। तो ये जो देख रहे हैं, ये है आटा लिफ्ट कटर। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में ये आंट को स्टेशन करेगा, तो ये सब फ़ायदा है। बिल्डिंग हानी कॉस्ट, हानी टूर कॉस्ट 10% कम हो जाएगा, रिसोर्सेस कॉस्ट 10% कम हो जाएगा, और बिल्डिंग का टाइम, कंस्ट्रक्शन का टाइम 10% कम हो जाएगा। और ये हमारा आटा लिफ्ट कटर को किधर से मिलता है वो देखते हैं। एक है फ्रैगमेंट्स कभी कभी ये फ्रैगमेंट्स को रिडीम करके आटा लिफ्ट कटर मिल सकता है, कभी कभी इसके अंदर आता है। और दूसरा है हमारा ये स्टोर, स्टोर के अंदर ये देखो इधर आ गया। और दूसरा चीज़ है पैसे की बात, इसको स्टेशन करने के लिए आपको ये आइटम चाहिए, ये है लाइट कॉन्ट्रैक्ट। लाइट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करना है का, उसके बाद ही आप इसको स्टेशन कर सकते हैं। तो लाइट कॉन्ट्रैक्ट आपको एक ही बार चाहिए जब इसको स्टेशन करने के टाइम है, उसके बाद आप इसको रिमूव नहीं करने का, तो आटा लिफ्टर उधर ही बैठेगा, कुछ इश्यू नहीं है। और नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल लाइन्स का एक्सपीरियंस। स्पेशल लाइन्स का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी कैसे बढ़ा सकता है। और आपको आपके पास कुछ स्पेशल लाइन्स है, उसका 50 लेवल 50 तक लेके जाना है, तो आप ये ब्लैक फायर और सुपर स्पाइनी का यूज़ कर सकता है। तो इसका थर्ड स्किल देखो,
इसमें यह बता रहा है कि आप इसको किसी यूनिट में डाल के आप वाइल्ड क्रिएचर्स को हंट करेगा तो आपका पूरा यूनिट को 20% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस देखो मैक्सिमम 50% तक मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके अंदर डाल दिया तो ये मेरा दो स्पेशल लाइन्स के इसको 20% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलेगा जब वाइल्ड क्रिएचर्स को हंट करने के टाइम में। तो चले दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।